अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं तमाम देखने वालों के। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे टाइम है सुबह सुबह का। कल रात पूरी रात बारिश हुई है, काफ़ी मौसम ख़राब था। कल काफ़ी ज़्यादा बादल थे और उस वजह से हमारी रात को लाइट भी नहीं आई। तो जब सुबह मैं उठी हूँ, सबसे पहले मैंने फ्रिज खोली तो उसकी जो बर्फ़ थी काफ़ी देर से, क्योंकि मैंने ऊपर वाला फ्रीज़र वाला खाना साफ़ किया था, तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जो है वो नीचे गिरी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने जो काम है यही किया, क्योंकि रात पूरी फ्रिज बंद रही थी तो उसको साफ़ करने में और भी आसानी हो जाती थी। और बर्फ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, और ये तो बिल्कुल एक बर्फ़ की तह जमी हुई थी। तो उठते ही मैंने ये सोचा कि नाश्ता वगैरह बाद में बनाया जाएगा, तो सबसे पहले फ्रिज साफ़ कर ली जाए। और ये बर्फ़ की पूरी एक प्लेट बनी हुई थी। और वैसे तो बारिश हुई है और पूरी रात हुई है, और सुबह ये जो बर्फ़बारी हुई है ये मैंने खुद की है। और सुबह सुबह काफ़ी सारी बर्फ़ हाथ में लेके खड़ी रही हूँ, लेकिन उस वक़्त तो पता नहीं चला। और हुआ क्या है, जब मैंने बर्फ़ फेंकी और उसके बाद जो मेरे हाथों की उंगलियाँ हैं वो बिल्कुल सुन्न हो गई थी, और इतना लग रहा था कि जैसे ठंडी नहीं जल रही हूँ, इतनी ज़्यादा हाथों पे जलन होना शुरू हो गई। क्योंकि सुबह जैसे ही मैं उठी हूँ तो सबसे पहले मैंने यही काम किया कि फ्रिज की जो बर्फ़ है वो सारी निकाली, ताकि मैं फ्रिज दोबारा से चलाऊँ तो ये बर्फ़ दोबारा ना जम जाए। तो ये थी आज की बर्फ़बारी, जो कि सिर्फ हमारे ही घर में हुई है और कहीं भी नहीं हुई। बारिश तो माशाल्लाह कल काफ़ी सारी हो गई, और जो धुंध वगैरह थी वो ख़त्म हो गई। तो अभी मैं बना रही हूँ इधर नाश्ता, और नाश्ते में मम्मा के लिए बना रही हूँ मैं मिर्चों वाला अंडा। इसमें सिर्फ सब्ज़ मिर्च डाली हुई है और नमक वगैरह। और अपने लिए मैं बनाऊँगी मीठा अंडा। मुझे मीठा अंडा जो है वो शुरू से ही बहुत पसंद है। तो मीठा अंडा बनाने के लिए सिर्फ इसमें मैंने चीनी डालनी है, और इसको अच्छी तरह से हल करके। मुझे मीठा अंडा जो है वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी बहुत कम है कि मैं मिर्चों वाला अंडा या ऑमलेट वगैरह खाऊं। वैसे भी कहते हैं कि ये जो मीठा चीनी वाला अंडा होता है इसकी तासीर ठंडी होती है। पता नहीं अब ये बात सच है या नहीं। तो पराठे जो हैं वो पहले ही बना लिए थे, तो अभी हम करेंगे नाश्ता। इसलिए मैं अपने लिए और मम्मा के लिए इधर अंडा बना रही हूँ। जो चीनी वाला अंडा है इसको अच्छी तरह से फेंट लेना चाहिए, क्योंकि अंडे को जितना ज़्यादा फेंटेंगे वो उतना ही अच्छा बनेगा। और क्योंकि इसमें मैंने चीनी डाली है तो इस वजह से इसको ज़्यादा देर के लिए मुझे फेंटना पड़ेगा, ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। वैसे तो बहुत कम ऐसे होता है कि हम नाश्ते के टाइम पे अंडे वगैरह खाएं, क्योंकि हमें शुरू से आदत है सालन के साथ या दही के साथ रोटी खाने की। तो आज जो है वो सालन नहीं था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पड़ा हुआ था, नहीं सालन था लेकिन थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो सोचा कि साथ में अंडा बना लेती हूँ। तो अपने लिए मैं बनाऊँगी मीठा चीनी वाला अंडा, और मम्मा के लिए बनाऊँगी मिर्चों वाला अंडा, और फिर इसके बाद करेंगे हम नाश्ता। और आज का जो व्लॉग है वो नाश्ते का है। अच्छा ये है कि कल पूरी रात बारिश हुई है, और काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन कल शाम को काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी और काफ़ी मौसम ठंडा था। लेकिन जैसे ही बारिश हुई है, तो जब बादल हो ना तो सर्दी कम होती है, और जैसे जिस दिन धूप निकले उस दिन वो सर्दी जो है ना ज़्यादा होती है। अच्छा गर्मियों में तो ये रूटीन थी कि जब नाश्ते में सालन ना हो तो बाहर से चने वगैरह मंगवा लिए, लेकिन मुझे अब चने जो हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते नाश्ते के टाइम पे, बिल्कुल नहीं। और अब ऐसे है कि सर्दियां हैं तो बाहर से बना हुआ पका हुआ जो साग है वो मिल जाता है। तो मैं फिर यही करती हूँ कि या तो मैं साग मंगवा लेती हूँ या फिर अंडा या दही, इससे नाश्ता कर लेते हैं। और हुआ ये कि कल शाम तक मैंने खाना नहीं था बनाया, मैंने कहा थोड़ा लेट बनाऊंगी, तो बारिश शुरू हो गई उस वजह से लाइट भी हमारी चली गई थी। तो जब लाइट जाती है तो फिर पानी भी चला जाता है, तो इस वजह से फिर मैंने रात को कुछ भी नहीं था बनाया। तो खैर नाश्ता उस मज़े का तो नहीं होगा जो कि सालन के साथ होता है पराठे, तो चलो नाश्ता ही करना है, चाहे अंडे से करो या दही से। तो व्यूवर्स
और ये जो मीठा अंडा बना रही हूँ इसकी टिक्की बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें चीनी डाली है, तो वो उस वजह से जैसे ही तवे पे इसको डालो तो वो जलना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको ऐसे ही हिला के, और ये बड़ा मज़े का बनता है। तो नाश्ता बनाने के बाद हम करेंगे नाश्ता। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि नई जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल सकें। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में। खुदा हाफिज़।